झारखंड राज्य के अंतर्गत जिला बोकारो के बेरमो प्रखंड का एक पंचायत जरीडी पूर्वी, जिसमें एमएचएम पर कुछ विशेष कार्य किया गया है, उसकी कुछ झलक। हमारे विद्यालय में कुल 169 छात्राएं हैं। मासिक धर्म के कारण बहुत से छात्राएं विद्यालय नहीं आती थी, लेकिन एमएचएम लैब बनने के बाद उन छात्राओं में 100% वृद्धि हुई है। नमस्कार, मैं आसिया परवीन राजकीय मध्य विद्यालय की क्लास 8 की छात्रा हूँ। जब हमें कभी भी विद्यालय में पीरियड आ जाता था, किसी से हम शेयर नहीं कर पाते थे अपनी दिक्कत। पीरियड नाम सुन के ही हमें घबराहट और डर टाइप में लगता था। एमएचएम लैब में हम आराम कर पाते हैं। यहाँ बेड उपस्थित है, फिर यहाँ पे डस्टबिन है, हैंड वॉश है और पेड बॉक्स भी है, जिसमें पेड हमेशा उपस्थित रहता है, उसे हम यूज़ करते हैं। एक समय ऐसा था जिस समय हम लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। हमारी पंचायत की मुखिया श्रीमती कंचन देवी ने हमारी सहायता की है और सीसीएल के सौजन्य से हमें एक पैड मशीन दिलवाई है, जिसे हम लोगों ने 4 महिलाओं को इस कार्य से जोड़ा गया है और इसे आगे बढ़ाने के लिए, इसे बेचने के लिए हमें और भी महिलाओं को इस रोजगार से जोड़ेंगे। मेरे पंचायत की कुल आबादी 6025 है, जिसमें महिलाओं की कुल संख्या 2899 है। हम लोगों ने अपने पंचायत में 15 फिनेंस से एमएचएम लैब का निर्माण कराया है। जैसा कि हम लोगों ने एमएचएम लैब अटेंडेंस रजिस्टर उसका हम लोग मेंटेन करवा रहे हैं, तो उसमें लगभग दिसंबर और जनवरी माह में लगभग 20 से 21 छात्राओं ने उस एमएचएम लैब का लाभ उठाया है। और हम लोगों ने एक कम्युनिटी लेवल पे एक मैनुअल इंसिनरेटर का निर्माण कराया है 15 फिनेंस से, जो समुदाय की महिलाएं पैड का निपटान सुरक्षित जगह पर नहीं करती थी, तो उनको सुरक्षित जगह पर निपटान करने के लिए हम लोगों ने जागरूकता क्लासेस भी उनके लिए हैं। एमएचएम का ये मतलब है मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट, माहवारी स्वच्छता प्रबंधन, और इसका मुख्य उद्देश्य 3 है कि जो किशोरी हैं, महिलाएं हैं, खास करके ये स्कूल में बना है, तो यहाँ किशोरी से ही हमारा तात्पर्य है कि जो किशोरी हैं जिनका प्रथम आने वाला होता है या जो प्रारंभिक अवस्था में माहवारी होते हैं, उनमें उनको किस बातों का ख्याल रखना है, जैसे स्वच्छ पैड यूज़ करने हैं, कितने घंटे तक एक पैड को यूज़ करना है, वो सब चीज़ की जानकारी यहाँ पे उनको बताया जाता है और उसका वो यूज़ करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं इंसिनरेटर भी लगा हुआ है, जिसमें उसका वो सुरक्षित निपटान, ये नहीं कि जहाँ तहाँ फेंक दिया जाना वो, और हमारे स्वच्छता में जो है वो अवरोध पैदा करता है। यहाँ की जो मुखिया हैं वो महिला हैं, बहुत डायनेमिक सोच भी रखती हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं अपने इस पंचायत में, उसको बहुत अच्छा विकास का एक अच्छा रूप दे रही हैं, खासकर स्वच्छता में तो बहुत अच्छा मतलब देखा जा रहा है। और चूंकि महिला हैं तो बच्चियों का भी ख्याल करना है।